नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुख सुविधाओं, सौंदर्य, कला, विलासिता आदि के कारक शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो 28 जनवरी 2021 दिन गुरुवार को सुबह 3:18 पर अपना गोचर करते हुए धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर शुक्र, सूर्य, बुध, देवगुरु बृहस्पति और शनि के साथ युति करेंगे। ऐसे में शुक्र के मकर राशि में गोचर से सभी राशियों पर कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा। तो यह जो गोचर होने जा रहा है वह हमारी 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम मेष राशि से। शुक्र ग्रह आपकी राशि के लिए दूसरे और सातवें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर के दौरान शुक्र आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे। इस भाव में शुक्र की स्थिति आपको कार्य क्षेत्र में मिश्रित फल प्रदान करेगी, क्योंकि शुक्र आपके दशम भाव में विराजमान होंगे जो कि शनि का भाव होता है। ऐसे में आप कार्यस्थल में अपने कार्यों से थोड़ा संतुष्ट रह सकते हैं। इस समय में आप अपनी रचनात्मक क्षमताओं का उत्तम उपयोग नहीं कर सकेंगे, जिससे आपको थोड़ा असहज महसूस होगा। हालांकि जो जातक पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए गोचर काल की यह अवधि लाभकारी सिद्ध होगी। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र सातवें भाव के भी स्वामी होते हैं, परंतु इस दौरान आपका सातवां भाव और शुक्र खुद शनि से पीड़ित होंगे, जिसके चलते आप में विश्वास और सुरक्षा का अभाव आपके निजी जीवन को भी प्रभावित करेगा। बात करते हैं वृषभ राशि। शुक्र आपकी ही राशि यानी लग्न भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर के दौरान शुक्र आपके नवम भाव में विराजमान रहेंगे। नवम भाव भाग्य भाव या धर्म भाव भी कहा जाता है। शुक्र के नवम भाव में गोचर के दौरान आपको बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति होगी। इससे आपके अंदर सकारात्मक सोच और शांति में वृद्धि भी देखने को इस बीच में मिलेगी, जिसके चलते आप सामाजिक स्तर में सफलता प्राप्त करेंगे। आपका मन और जीवन इस समय कायाकल्प और विलासिता से भरपूर रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी भाग्य का भरपूर साथ देखने को मिलेगा। आप अपने सभी कार्यों को सफलतापूर्वक सफल करने में कामयाब रहेंगे। भाई बहनों से भी सहयोग और सहानुभूति की प्राप्ति आपको इस बीच में देखने को मिलेगी। बात करते हैं मिथुन राशि। शुक्र आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इस भाव से जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों के बारे में विचार किया जाता है। इस गोचर की वजह से आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र इस दौरान देवगुरु बृहस्पति के साथ युति करते हुए आपकी राशि में सुंदर केंद्रीय त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेंगे, जिससे आपके जीवन में चल रही समस्याओं को काफी हद तक दूर होने में वह मदद करेंगे। आपको अपने आर्थिक जीवन में उन्नति और लाभ की प्राप्ति के लिए भी कोई शुभ अवसर मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। अचानक से मिलने वाले धन की भी संभावना बन रही है और इस बीच में कोई पैतृक संपत्ति की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। बात करते हैं कर्क राशि। शुक्र आपकी राशि के चतुर्थ और एकादश के स्वामी होते हैं। इस दौरान शुक्र गोचर करते हुए आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। यह भाव दाम्पत्य भाव कहा जाता है। इस भाव से हम जीवन में होने वाली साझेदारियों के बारे में भी विचार करते हैं। ऐसे में शुक्र का यह जो गोचर है आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। शुक्र इस दौरान आपके अष्टम भाव के स्वामी शनि और छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के साथ युति करते हुए आपकी मां की सेहत से संबंधित कुछ परेशानियां पैदा कर सकते हैं। इसके साथ ही जीवन साथी के साथ संबंधों में भी तनाव की स्थिति बन सकती है। इस समय शुक्र के साथ अधिकतम ग्रहों की युति है, जो आपको कार्य क्षेत्र में अपने उच्च और वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना और प्रशंसा करने के योग बनाएगी। सरकारी क्षेत्रों से भी लाभ की प्राप्ति के योग बने दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक जीवन के लिए यह समय सामान्य रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि। शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठम भाव में होने जा रहा है। इस भाव को शत्रु भाव कहा जाता है।
छठे भाव में शुक्र का यह गोचर आपके जीवन में कुछ चुनौतियां लेकर आएगा, इसलिए इस दौरान आपको कुछ संभल कर चलने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में झूठ और विवाद से बचने की आपको इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है, अन्यथा आपको नुकसान पहुंच सकता है। इस समय शुक्र छठे भाव में गोचर करते हुए द्वादश भाव में अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, जो व्यय भाव कहा जाता है। ऐसे में अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि भी इस बीच में आपको देखने को मिलेगी और वैवाहिक जीवन से संबंधित भी कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। बात करते हैं कन्या राशि। शुक्र कन्या राशि के जातकों के लिए दूसरे और नवम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर के दौरान कन्या राशि के लिए वह पंचम भाव पर विराजमान रहेंगे। यह भाव संतान भाव, शिक्षा भाव कहा जाता है। इस गोचर के दौरान आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र आपके एकादश भाव पर, आय भाव पर भी दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके आर्थिक क्षेत्रों में वृद्धि देखने को मिलेगी। धन प्राप्ति के नए नए स्रोत भी देखने को मिलेंगे। इस समय शुक्र के साथ कई ग्रहों की युति बन रही है, इसलिए इस बीच में आपकी कार्य क्षमता भी सबसे अधिक रहेगी। इस बीच में आपको अपने करियर पर आगे बढ़ने के लिए बहुत अवसर प्रदान होंगे। वैवाहिक जीवन भी इस समय आपका उत्तम रहेगा और संतान पक्ष से कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। बात करते हैं तुला राशि। शुक्र आपकी राशि के स्वामी है। इस गोचर के दौरान वह आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यह भाव सुख भाव कहा जाता है। यह गोचर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, जिससे आपको अपनी इच्छा अनुसार आर्थिक लाभ बनने के योग मिलेंगे। आपके करीबी लोगों के साथ रिश्ते भी मजबूत इस बीच में होंगे। कुछ जातकों के लिए मां से लाभ की प्राप्ति के योग भी बनने जा रहे हैं और भौतिक साधनों में इस बीच आप वृद्धि करेंगे और आर्थिक स्थिति भी यह बीच आपकी अच्छी रहेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि। शुक्र का यह गोचर आपकी तृतीय भाव में होने जा रहा है, जो पराक्रम भाव होता है। भाई बहनों का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा और आपके पराक्रम में भी इस बीच में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी। और यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र आपके भाग्य भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस बीच में आपको भाग्य का भी जबरदस्त साथ देखने को मिलेगा। शुक्र आपके द्वादश भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, जो यात्रा और सुख का भाव होता है। ऐसे में इस अवधि के दौरान आप खुद को आनंद देने के लिए, कई सुंदर गतिविधियों में भाग लेने के लिए और यात्रा करने का प्लान भी कर सकते हैं। निजी जीवन में आपको अपने मित्र और करीबियों से लाभ और समर्थन की प्राप्ति होगी। बात करते हैं धनु राशि। शुक्र का यह गोचर आपके द्वितीय भाव में सक्रिय रहेगा। इस भाव को धन भाव भी कहा जाता है, वाणी भाव भी कहा जाता है। इस गोचर की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। शुक्र आपकी राशि के एकादश भाव के स्वामी होते हैं और इस गोचर के दौरान दूसरे भाव में विराजमान होना आपकी मां को लाभ प्रदान करेगा। इस बीच आपका जो घर का वातावरण रहेगा वह खुशियों से भरा रहेगा। विवाह योग्य जातकों के लिए शुक्र के इस गोचर के दौरान अच्छे विवाह के प्रस्ताव देखने को मिलेंगे। हालांकि सेहत की दृष्टि से आपको खाने पीने से संबंधित आदतों में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। ऐसे में अत्यधिक मीठा खाने से भी इस बीच में परहेज करें, अन्यथा स्वास्थ्य को हानि हो सकती है। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए यह गोचर लग्न भाव पर होगा। इस भाव को तन भाव भी कहा जाता है। इससे हम शरीर, स्वास्थ्य और आत्मज्ञान के बारे में विचार करते हैं। यह गोचर आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला रहेगा और एक योगकारक ग्रह होने के साथ ही शुक्र आपके सप्तम भाव में भी दृष्टि डालेंगे, जो साझेदार और जीवन साथी का भाव कहा जाता है, सप्तम भाव। ऐसे में पार्टनरशिप और व्यापार कर रहे जातकों के लिए बहुत शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी और दाम्पत्य जीवन भी सुखद बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी इस बीच में प्रगति देखने को मिलेगी। बात करते हैं कुंभ राशि। शुक्र का यह गोचर आपके द्वादश भाव पर होने जा रहा है। द्वादश भाव यानी गुप्त चरित्र और व्यय के बारे में यहाँ से विचार किया जाता है। इस गोचर के दौरान आपको भी शुभ पलों की प्राप्ति होगी। इस अवधि में आप सुख सुविधाओं और विलासिता में दिल खोलकर खर्च करेंगे। जो जातक विदेशी संगठनों और
मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत है उनके लिए यह गोचर विशेष शुभकारी रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। दाम्पत्य जीवन मजबूत रहेगा और आर्थिक स्थिति भी इस बीच में मजबूत रहेगी। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि के लिए यह गोचर आपके एकादश भाव में होने जा रहा है, जो आय भाव कहा जाता है। जो आपकी आर्थिक स्थिति अभी तक कुछ परेशानी उसमें देखने को मिल रही थी, उसमें इस बीच में सुधार देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपकी कड़ी मेहनत, कार्य के प्रति समर्पण, ईमानदारी की वजह से दूसरों की सराहना प्राप्त करने में आप सफल रहेंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि आपके शिक्षा भाव, संतान भाव पर डालने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको संतान पक्ष से भी कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। और इस बीच में जो आपकी सोचने की क्षमता रहेगी वो भी काफी मजबूत रहेगी। आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत बनी रहेगी, आय के नए नए स्रोत प्राप्त होंगे। तो कुल मिलाकर यह जो गोचर होने जा रहा है मीन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छे परिणाम लेके आएगा। तो यह था शुक्र ग्रह का गोचर। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। आगे आने वाले समय में भी मैं इसी तरह की जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।